तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज वाली वीडियो में दोबारा से खेलने जा रहा हूं मजूबा। और गाइस देखो, आज वाली वीडियो हम लोग टीम बैटल खेलेंगे भाई, रैंडम खेलने वाले हैं। कैसे भी खेलेंगे, जितने बंदे आ जाएंगे उनके साथ खेल लेंगे हम लोग। और मैं कोई सा 11 ही ले लेता हूं, मैं 11 से खेल लेंगे ना अपन भी। तो 11 के लिए या फिर मैं आयरस ले लूँ। आयरस नहीं, पहले हम लोग 11 से ही ले लेंगे, क्योंकि 11 से मैंने खेला भी नहीं है ना वीडियो में। तो हम लोग 11 से खेल लेते हैं। और लैरी भी भाई, लैरी को देख के यहाँ पर देख के याद आ रहा है भाई किस किस करेक्टर से खेल लूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत करेक्टरों से जो है कि भाई बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ। तो यहाँ से 11 से मैं खेलूंगा और ये लैरी ले रहा है तो लैरी ले लेते हैं। और भी कोई है इनवाइट करने के लिए क्या? ओके, तो गाइस देखो, मैंने यहाँ पर रैंडम बैटल स्टार्ट कर दिया भाई। 2 11 हैं अपने टीम में और बाकी के 3 बंदे रैंडम आएंगे, तो रैंडम के साथ खेलेंगे। और रैंडम में भाई 11 देखो लेवल 13 की आई है। अच्छा, यही है जो मेरे साथ प्लेयर है वो लेवल 13 का 11 है, बाकी सारे बंदे 8 लेवल के हैं। ठीक है, तो इसे मार लेते हैं। ये वाला गार्ड मर जा, मर गया ये वाला गार्ड। और आ जाओ भाई प्लेयर लेवल 8 की, कितनी क्यूट लग रही है प्लेयर नाम की बंदी। पेपर देखो, UNZ YouTube। तो यहाँ से इसको मार लेते हैं। और यहाँ पर और रोको रोको रोको, ये मेरे को चाहिए गोल्डन स्पीयर। चलो ले लिया उसने, ले लिया आखिरकार। मेरे पास हेल्थ किट है ना, मेरे पास हेल्थ किट है। चलो एक और हेल्थ किट आ गई, इसे मार लेते हैं। ओ बच, उसमें टच हो गया था तभी वो मरा नहीं, अब मर गया। चलो ये भी गया। और कौन कौन बचा है तुम्हारी टीम में जिंदा? मेरे पास हेल्थ किट नहीं है तो थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, क्योंकि पीछे से भी अटैक भी हो रहा है ना इस वजह से। तो यहाँ से इसे भी ले लेते हैं, हेल्थ किट वगैरह उठाओ। इसे भी उठाओ हेल्थ किट को, हेल्थ किट उठाओ जल्दी से, हेल्थ किट की कमी पड़ रही है। अपना एक बंदा डाउन हो गया, हेल्थ किट लो जल्दी ये वाली। यहाँ पर बहुत सारे बंदे आ गए हैं क्या आगे पीछे से? हर जगह से अटैक हो रहा है। वैसे रैंडम स्क्वाड हम जीतेंगे भाई से, ठीक है, जीतना ही जीतना है। तो यहाँ से गोल्डन स्पीयर भी चाहिए। ओके, तो चाहिए है, यहाँ पर बंदी है। यहाँ तो वैसे पीछे ढकेलो, बढ़िया आ जा। ओ लेवल 2 का भाई, कितनी पावर दिखा रहा है। अरे पीछे, अरे पीछे किसने लगा दिया? पीछे किसी ने बैरियर लगा दिया, बताओ। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्टी ने, पेपर ने लगाया भाई। पेपर यार अपने आप को बचाने की सोच रही है, टीम को सोच बचाने की। ये देखो सब बिछ रहे हैं, उनके सामने वाली टीम आकर बिछी गए, बस उनकी एक वो बची हुई है फजी, बस वो भी मरी जाएगी जल्दी, मरने ही वाली है। मर गई क्या या फिर भाग गई वो बच के? मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया कहाँ गई वो लग रहा कि वो बच के भाग रही है। यार देखो अपना नेक्स्ट टपका दिया इसने, इसे हम लोग टपका देंगे। अब गई गई, बस गई। आ जा आ जा, और आगे आ जा थोड़ी सी। अब कितनी चिपका रही है यार ये, बहुत ज़्यादा नहीं चिपका रही कुछ? मैं बार 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 उसके बॉम्ब से आके इतनी धीमी स्पीड हो रही है। इसको थोड़ा सा बब वगैरह कर दिया है क्या? शायद कर दिया हुआ है, ज़्यादा ही चिपका रही है कुछ। यहाँ से इसकी हेल्थ किट ले लेंगे, अपनी हेल्थ पूरी बढ़ जाएगी। ले लो भाई, मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पे हम लोग आउट हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे बंदे आ गए थे। ये वाली टीम, वो वाली टीम, पीछे से आगे से हर जगह से टीम टीम आ गई थी। और ये वाली फजी अभी तक आउट नहीं हो रही, इसकी हेल्थ इतनी कम करी थी तब भी फुल करके कहाँ से आ गई समझ नहीं आ रहा। हेल्थ किट वगैरह मिल गई होगी इस रास्ते में। चलो भाई फुल स्पीड में चलो, आ जाओ। चलो चलो चलो, हेल्थ बढ़ाओ अपनी और फुल स्पीड में चलो। ये भी ले लो, उस फजी को ही मारेंगे पहले, वो परेशान कर रही है ना बहुत। लेवल 8 के नेक्स्ट पीछे आ जा, इसके पास हेल्थ किट है अभी तो। मेरा कितना, ओए भाई स्पीयर की रेंज कितनी लंबी है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, किसी और करेक्टर से खेलेंगे। ये देखो फिर से मर गया वो, सांप से खेलेंगे ना इसके बाद, आयरस से खेलेंगे। ठीक है, आयरस अपना नया करेक्टर भी, और रैंडम स्क्वाड मजे आ जाएगा। रैंडम स्क्वाड वाले भी खुश हो जाएंगे कि अपनी में सांप आया है। तो यहाँ से इसको मार लेते हैं बक्को। ड्यूकी मत उदम्बा जी करे इतना ज़्यादा, आउट हो जाएगा। ये देखो घर में घुस के मार रहा है, घर में घुस के मारने की कोशिश कर रहा है। और कौन है इसका दोस्त? ड्यूकी कहाँ भाग गया? हेल्थ बढ़ा लेते हम लोग, आ जाओ भाई। अच्छा हेल्थ किट लेके आओगे, ले लो हेल्थ वेल्थ बढ़ा लो अपनी, सब लोग आओ जल्दी से। और इसकी हेल्थ किट आ रही है, इसे भी ले लो। मैं ओ गोल्डन शॉट गन, इसकी रेंज देखना। ये देखो बड़ी मज़ेदार रेंज है ना इसकी, और शॉट गन की तो भाई लेजेंडरी वाले की और ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। यहाँ से देखो आ जाए लग, अब ये बैरियर आ गया बीच में, वरना उस वाले नेक्स्ट में पक्का लग जाती। यहाँ से इसका ड्यूकी ये रहा, चलो गया ये वाला ड्यूकी। 9 बंदे बचे हुए हैं, यानी कि 4 बंदे बचे हुए हैं। इस वाले नेक्स्ट को भी मार लेते हैं हम लोग भी। कहते हैं छोटे वाले करेक्टर से खेलेंगे, ठीक है। इसके बाद मेरा जो सांप है वो लेवल 9 का है, तो उसी से खेलेंगे, सही रहेगा। बराबरी की स्क्वाड होगी, मज़ा भी आएगा रैंडम में। यहाँ से एक और नेक्स्ट आइज को, लेवल 5 का है ना, इस वजह से मज़ा नहीं आ रहा छोटे बंदों को मारने में, मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं इसके बाद छोटे लेवल बंदे बंदे से खेलने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक बंदा बचा हुआ है, जरूर कहीं ना कहीं छुपा हुआ। तो ये रैंडम स्क्वाड हम लोग कहते हैं जीत गए आखिरकार। मैंने कहा था कि हम लोग इसे जीतेंगे और जीतने ही वाले हैं, बस एक बंदा और है, वो कहीं छुपा हुआ है, उसे ढूंढने की तलाश जा रही है। इन बैरल्स वगैरह में छुपा हुआ है क्या कहीं? शायद छुपा हो सकता है, पता नहीं। ओके, तो ये रेस के अंदर भाई, इसके अंदर है और बंदा हमारा मार भी दिया वो ले। अरे ये तो वही फजी है भाई, लेवल 12 की फजी नहीं मरने का नाम ले रही। चलो फाइनली मरी गई आखिरकार, और हमारे बंदों को मारते मारते भी टपका गई है वो लैरी को बेचारे को। और ये वाला गेम गाते हुए रैंडम स्क्वायर में कितने ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम लोग जीत गए। अब हम खेलने वाले हैं अपने सांप से, छोटा छोटे लेवल से खेलेंगे, जिससे वही छोटे छोटे बंदे आएंगे तो बराबरी का मुकाबला होगा। ओके, तो ये रहा मेरा सांप लेवल 9 का, और मेरे 2 ही मैक्स कैरेक्टर हैं यहाँ पर, 2 लेवल 17 के, एक जेड है एक निक्स है। बाकी का देखोगे तो आप कॉइन्स वगैरह कमी कर दिए, तो अब तो मुझे लग नहीं रहा कि अब मैं किसी भी कैरेक्टर को लेवल 17 पर कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी मैं इसमें क्या लूँ, एटल ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग स्क्वाड खेल रहे हैं। ओ भाई मेरे को अभी याद आया कि मैं पहली बार स्क्वाड खेल रहा हूँ भाई आर एस से। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पर रैंडम स्क्वाड चालू कर दिया, एक बंदा अपने साथ, 3 अपने रैंडम बंदे आएंगे
और इसमें कौन कौन आया है यार, दो निक्स आए हैं, एक स्टीव आई है, ठीक है। तो बंदे ठीक ठाक ही आए हैं और छोटे बहुत आए हैं, जैसे मैंने कहा था कि छोटा लूँगा तो छोटे बंदे आएंगे तो सही रहेगा, बराबरी का मुकाबला होगा। तो यहाँ से तोड़ लो भाई, सारे बंदों को ले लो, स्पीयर लो, भाई गोल्डन और ये भी ले लो, गोल्डन स्पीयर क्यों छोड़ रहे हो, किस खुशी में छोड़ रहे थे, इसे भी लो, बढ़िया। तो यहाँ पर भी एक गार्ड है, इसे भी मार लेते हैं, मर जा भाई, मर गया। इसकी रेंज भी भाई 11 की तरह बड़ी है इसकी शॉट गन की, आयर इसकी देखो कितनी लंबी है, हालांकि 11 से तो छोटी लग रही है मुझे, पर इसकी भी काफ़ी लंबी है ये देखो, है ना, कंपेयर करना पड़ेगा, पता नहीं चलेगी कैसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से इसके पास भी गोल्डन, भाई सारे गार्ड्स के पास आज गोल्डन ही गोल्डन है क्या माल, यहाँ पर गोल्डन बॉम्ब और चाहिए, फिर मज़े ही आ जाएगा, पूरा गेम एकदम मस्त होगा। अपना पाँचों बंदे हैं क्या यहाँ पर, तीन पाँच, हाँ सारे बंदे हैं। ये किसे मार रहा है देखो, फालतू में गोली चला रहा है, दीवार में मार रहा था अभी तो हाल फिलहाल। तो यहाँ पे 21 बंदे बचे हुए हैं गाइस, कहाँ पर छुपे हुए हो भाई, सारी की सारी स्क्वाड निकल गया, सांप आएगा भाई डस लेगा सबको, सांप से सब डरे बैठे हुए हैं कि सांप ना डस ले कहीं। वैसे सांप बढ़िया है इसकी, ये वाली बहुत सही है, पूरा लंबा हो जाता है, पूरा खींच खाँच के लड़ता है। और इसकी सबसे बढ़िया चीज़ तो फजी की, फजी का तब भी इतनी देर नहीं रहता, इसका ज़्यादा बढ़िया है पॉइजन वाला अटैक, क्योंकि इससे हेल्थ कम होती है ना, फजी से तो हम लोग सिर्फ चिपकते हैं, पर इसका सही है भाई, इससे मर जाते हैं बंदे और काफ़ी यार डैमेज भी है। तो यहाँ से एक लैरी निकल के भागा है, घास में बंदे हैं यहाँ पर कोई तो है, ओके देखो मौली वोली हैं सब यहाँ पर, छोटे छोटे बंदे ही हैं, सही है भाई, अब मज़ा आएगा ना लड़ने का, बराबरी के मुकाबले में मज़ा आता है, आओ लड़ो। अपनी स्क्वाड कहाँ है, मैं ही अकेला नहीं लड़ूंगा भाई, मैं बिच जाऊँगा नहीं तो अकेला लड़ूंगा तो मैं इस वजह से। तो यहाँ से इसको मार देते हैं, कौन है बक है, इससे दूर रहो, थोड़ा गया ये वाला बंदा भी, और हेल्थ के वेल्थ उठाते रहो जिससे कि भाई दिक्कत ना हो, इसे भी मार लेते हैं, लैग भी हो रहा है यहाँ पे, ये गया, ये भी गया, छोड़ गया, चलो वो तो भग गया बच के, लैरी के दिन अच्छे चल रहे हैं इस वजह से वो बच के भग गया। इसे भी हेल्थ किट को ले लेते हैं, सारी चीज़ उठा लो, गोल्डन बॉम्ब उठाओ भाई, गोल्डन बॉम्ब। तो हमारे पास तीनों वेपन यहाँ पे गाइस गोल्डन हो चुके हैं, और ये वाला लैरी है जो कि उदमबाजी कर रहा है और वो भग ही रहा है, अब गया, ओ भाई पड़ गई इसमें, देखो मेरा पॉइजन काम कर रहा है, मर जाएगा, पॉइजन से मरेगा क्या, पॉइजन से नहीं, पॉइजन से मर गया, देखा पॉइजन से मर गया, ये बहुत सही है भाई, पॉइजन से मर गया। यहाँ पर देखो ये वाला बंदा, ये भी पॉइजन से मरेगा अगर मैं इसे एक बार टच कर दूँ ना, नहीं भाई टच नहीं करा पाया, चलो ठीक है, शॉट गन की रेंज नहीं करा पाई टच, रहन दो इसे, चेस कर मत करो फिर, क्योंकि टच ही नहीं हो रहा इससे, तो एक और बार मार मार के छोड़ेंगे भाई इसे, मर जा, चलो भाई मर, ओ भाई गोल्डन ले लो, सॉरी लेजेंडरी, यही इसी की कमी रह गई थी बस, ये भी मिल गया। और वैसे भी कहते हो अभी जुआ में यार करेक्टर वगैरह आते रहे, आ रहे हैं आ रहे हैं, मेरे को अब नए नए गेम मोड का इंतजार है, क्योंकि अब करेक्टर में यार वही है, बोरिंग लगने लगते हैं फिर थोड़े दिनों बाद, जैसे यार आयरिस आया है तो वही तीन चार दिन के लिए अच्छा लगेगा, फिर वही बोरिंग से लगने लगेगा, जब तक न्यू मोड वगैरह नहीं आएगा, जब तक कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ नहीं आएगी, जब तक जुआ ऐसे ही रहेगा भाई, उसमें बग्स वगैरह भी आपको पता ही है काफ़ी है। तो गाइस हम लोग ये वाली स्क्वाड भी जीत चुके हैं, रैंडम स्क्वाड, मैंने तीन किल करे अपने स्टीव, यहाँ पे एमबीपी है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक और खेलते हैं टोनी से, या फिर किसी और छोटे करेक्टर से खेलते हैं, मेरे पास छोटा करेक्टर सबसे यही है लेवल 9 का, बाकी सबसे फिर तो लेवल 10 के हैं और लेवल 11 12 के ऐसे बंदे हैं। तो ओके गाइस, तो अपना गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है भाई, स्क्वाड और इस बार रैंडम नहीं है, सिर्फ एक बंदा रैंडम आया हुआ, वो कौन है ये मेरे को पता नहीं, लेवल 15 का बंदा रह गया, ना ना ये साथ अपने साथ ही है रैंडम बंदा फिर, ओके। तो यहाँ पर ये भी है, मैं ओली से खेल रहा हूँ भाई, ओली से खेल रहा हूँ, थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा मुझे ओली से, आ जाओ, ओली से पीछे हटता है ना इसकी दिक्कत है ओली की, आराम से लड़ना भाई, इसको मारो, फिन को मारो, इसे फिन को, अभी ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रुको मैं आ रहा हूँ भाई, मैं डिफॉल्ट लगा के आया हूँ, टेंशन ना लो, बिल्कुल ये गई बढ़िया, फिन को अच्छा बचा है यहाँ पे, और कौन बचा हुआ है, हेल्थ वेल्थ बढ़ा के लड़ना भाई आराम से, हमारे पास एक भी हेल्थ किट नहीं है इस वजह से, वो लेवल 13 की फिन कहाँ गई वो मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसके भी आ रहा है इनका, अभी कहाँ की हमारी कहाँ अटैक हो रहे हैं समझ नहीं आ रहा यार, लैग हो तो हो नहीं रहा बिल्कुल, तब भी गया ये, छो भाई एकदम मस्त लगा भाई, क्या मारा ओली ने, यहाँ पे दोबारा ये वही फिन है ना, इसे भी बिछाओ यार, इसे जाने बंदो, बिछ के जाइयो, वेरी गुड भाई, झुंड में घुसी आई ना, इसलिए लेवल 13 की थी बेचारी। और वैसे अपने बंदे भी ठीक हैं यहाँ पे, लेवल 6 का एक है और कोई नहीं है यहाँ पे, बाकी सारे बंदे ठीक ठाक ही लेवल के हैं, लेवल 15 11 13 6 हाँ सही है, सारे बंदे ठीक ठाक हैं, बस एक छोटा है लेवल 6 का। दोनों हेल्थ किट, सारे वेपन्स, ये भी ले लो, कांटे वाटे सब बिछा दो, बढ़िया। ओ ये लैरी लैरी आगे मन चला जाइए भाई, कांटों की रास्ता बिछा दिया, यहाँ पर कोई भी आएगा ना सब आउट होंगे, कांटों की रास्ता पर जिसने पैर रख दिया वो आउट हो जाएगा। बंदे तो यहाँ पे हमारे पास आते ही आते मर रहे हैं भाई, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मैं तो बस इसकी भी को मारा है एक को, इसमें वेपन्स वगैरह तो हमारे पास काफ़ी अच्छे हो गए, हमने किल वगैरह भी कर दिया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इधर को इधर फजी है, इधर फजी है, इधर फजी है, इधर आओ, अरे स्क्वाड कहाँ गई यार, मैं इधर दिखा रहा हूँ, इधर आओ इधर, अपनी स्टीव उधर चली गई है, और अपना बंदर तो इधर ही है ना, क्योंकि बंदर काफ़ी यार पावरफुल है, उसे तो होना ही होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे बैट सी ऐसे मार लेते हैं, और मैं थोड़ी सी घास भी खा लेता हूँ यार, ओली के नाते मैंने घास नहीं खाई एक भी बार जब से मैं मैच में उतरा हूँ, एक और बार घास खाएंगे, बढ़िया, मैंने घास खा के हेल्थ वगैरह ला ली अपनी, और मेरी हेल्थ किट यूज़ नहीं हुई, यहाँ पे ड्यूकी बच के भाग गया, एक और बार घास खा लेते हैं, आ जाओ,
ये भी मर गया। ड्यूकी कहाँ है, बैट्सी कहाँ है इनका, बैट्सी को मारना जरूरी है। यहाँ पे मेरी दोनों हेल्थ किट खत्म हो गई, अपना बंदा आउट हो गया। कौन आउट हुआ, ओ भाई स्टीव इतनी दूर जाके आउट हुई है यार, कैसे बचाऊँ इसे अब। कोई जाओ फास्ट करेक्टर, जा मैं जाता हूँ, चलो देख के आता हूँ थोड़ा कोई बचा सकता है कैसे। अरे बचा तो लिया, लो मैं डिफॉल्ट आके आया हूँ, आ जाओ सब लोग साथ रहो यार, इधर आ जाओ, हेल्थ किट डली हुई है इधर, सब लोग इधर आ जाओ यार। गोल्डन वेपन्स भी हैं, सब लोग पहले गोल्डन वेपन्स वगैरह हेल्थ किट वगैरह ले लो, तब जाके लड़ना। कम से कम वेपन्स तो अच्छे हो जाएंगे हमारे पास। देखो मेरे पास कितने चमचमाते हुए गोल्ड वेपन्स हैं, इसे भी ले लेते हैं, कांटे को, कांटा बचा बचा के मारेंगे आज तो। चलो अपने सारे बंदे जीवित हैं यहाँ पर भाई, कौन है, कोई चुप रहा है क्या, आग में जा रहा है। पाँच दो बंदे बचे हुए हैं भाई, इसमें सच्ची में दो किल करे हैं भाई। ये बंदा, ये वाला गेम तो हम लोग ऐसे ही अपने, इस वाले गेम में तो ऐसा हुआ है भाई, हम लोग खड़े हैं, हमारे पास आगे बंदे खुद मर रहे हैं, ये लो भाई से हमें मारो, हमें मारो। यहाँ पे स्टीव मिल गई, चलो इसे मार लेते हैं, बच्चू गई रे मेरा, उसमें लग नहीं पाया। मैं यहाँ पे घास भी खा लेता हूँ, हेल्थ किट भी, और एक बंदा और है उसे और ढूंढ लेते हैं। फ्री वाली स्क्वाड भी हम लोग जीतने ही वाले हैं, बस जीत ही गए और क्या, जीतने ही वाले क्या, बस जीत ही गए। जो लास्ट बंदा है वो भाई, ओ ये रहा लास्ट बंदा, कांच छुपा हुआ था भाई, ये दिखा ही नहीं मेरे को, ड्यू की है। मैं सोच रहा था कोई निक्स वगैरह हुआ, बैरन बैठा हुआ कहीं कोने में, बट नहीं। जहाँ पर गाय हम लोग ये वाली स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा आसान जीत चुके हैं, रहना स्क्वाड ओली के साथ। तो गाय आज वाली वीडियो बनते नहीं, अगर ये वाली वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगे तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जो करना, गाय सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट जो करना, तो आज वाली वीडियो में इतना ही, बाय बाय।